अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके पास कॉकटेल की कोई भी म्यूटेशन है और वो ब्रीडिंग पे नहीं आ रहा है, कॉकटेल ब्रीडिंग नहीं कर रहा है, आपको लिए हुए भी काफ़ी साल हो गए लेकिन वो ब्रीड नहीं कर रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो में बस एक चीज़ बताऊंगा, इंशाल्लाह आपका बर्ड बहुत जल्दी ब्रीड पे आ जाएगा। मेरे पास जो कॉकटेल हैं मैं उनको ये फार्मूला मैंने यूज़ करवाया है तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। आप भी ये फार्मूला यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह आपको भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप इसको लव बर्ड कॉकटेल या किसी भी कॉकटेल परिंदा ब्रिंग नेक वगैरह जिस पे भी आप यूज़ करवाना चाहते हैं करवाएँ, कोई वैसी चीज़ नहीं है, नेचुरली चीज़ है। आप इसको खिलाएँ, अच्छी चीज़ है, कोई नुकसान नहीं करेगी, फ़ायदा ही करेगी। ये फार्मूला यूज़ करवाने से पहले लेकिन आपको बस दो चीज़ों का ख्याल रखना है। दो चीज़ें ये हैं, नंबर वन देखें, आपको कॉकटेल की मेल और फीमेल कंफर्म करना है। आपको पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल कंफर्म है, क्योंकि आप लेके तो आ जाते हैं दुकान वाले ऐसे पागल बना के भी आप लोगों को दे देते हैं, लेकिन आप लोग को पहले ये कंफर्म करना है कि ये मेल और फीमेल है कंफर्म। अगर आपको ये पता है और उसके बाद आप उनकी एज तकरीबन एज 12 मंथ 14 मंथ तकरीबन इतनी होनी चाहिए, कॉकटेल की एज बता रहा हूँ मैं। बाकी परिंदों को भी होती है 6 महीने, बजेस वगैरह की होती हैं, लव बर्ड की होती है 6 से 8 महीने तक, ऐसे ही परिंदों की होती हैं, बस आप एज कन्फर्म कर। और कॉकटेल बर्ड को तो आप पहले, वैसे मेरे पास कॉकटेल है तो मैं कॉकटेल की बात करूँगा, कॉकटेल को अगर आप 12 महीने इनसे पहले लगा देंगे तो वो ब्रीड तो कर देते हैं, लेकिन अंडे फर्टाइल होते ही नहीं, अंडे अनफर्टाइल हो जाते हैं। फिर लोग की परेशानी होती है कि अंडे तो दे रहे हैं लेकिन एक नहीं निकल रहा है, लेकिन उनके आपको एज का पता नहीं होता, आप पहले से लगा देते हो तो इस वजह से अनफर्टाइल होता है, और उनको कैल्शियम नहीं मिल रहा होता, उनको विटामिन वगैरह ये चीज़ें मिल नहीं रही होती, तो वो इस वजह से ब्रीडिंग करते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको एक ये चीज़ बता रहा हूँ, तो आप इसको इस्तेमाल करवाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, फिर इनका कैल्शियम वगैरह हर चीज़ भी पूरी हो जाएगी। अब देखिए, आपको लेना है सिंपल चीज़ है, मेथी मिलती है बाहर से, किसी भी सब्ज़ी वाले से आप जाके मेथी लेके आ जाएं। मेथी लेके आने के बाद आप उसको सुखा लें, सुखाने के बाद आप उसको ना पाउडर बना के रख लें, पाउडर बना के अब जब भी आप सॉफ्ट फूड दे रहे हो कॉकटेल को, सॉफ्ट फूड तो लाजमी होता है, सॉफ्ट फूड दे रहे हो तो आप कॉकटेल को उस वक्त आप इसको यानी कि हल्का सा डाल के दे दें, कॉकटेल को ऊपर से डाल के दे दें, इससे ये होगा कि आपके कॉकटेल को कैल्शियम विटामिन की कमी जो हो रही होगी ये सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी, और कॉकटेल के अंडे जो होंगे वो फिर वो अनफर्टाइल भी नहीं होंगे, फर्टाइल ही नहीं फर्टाइल होंगे, कॉकटेल की जो हैचिंग वैचिंग करवाएगा, बेबीज जो निकलते हैं वो भी हेल्दी बेबी होंगे, जब उनको ये चीज़ें कैल्शियम वगैरह मिल रहा होगा तो इंशाल्लाह आपको अच्छी ब्रीड आपको हर चीज़ की मिल जाएगी। और जो कॉकटेल 2 अंडे दे रहे हैं 3 अंडे दे रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी डबल क्वान्टिटी में हो जाएंगे, कोई जो 2 दे रहा है वो 4 देना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह से, जो 3 दे रहा है वो 6 दे देगा, 5 दे देगा, और जो मेल जो है वो क्रॉस जो है क्रॉस सही नहीं करते, मेल जो होते हैं क्रॉस सही नहीं करते, क्योंकि क्रॉस साइड में कर रहे होते हैं, परों पर कर रहे होते हैं, तो वो भी कैल्शियम कमी होती है या किसी चीज़ की कमी होती है, जो वो कैल्शियम वगैरह जो उनको पूरा मिल जाएगा। मेथी ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ पूरी कर देती है, आपको विटामिन कैल्शियम विल्शियम जो भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सीज़न के लिहाज से ये मेथी जो है बहुत अच्छी है, तो इसलिए आप मेथी देंगे तो इंशाल्लाह इनकी सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी, और जो मेल क्रॉस वगैरह करेगा वो माशाल्लाह सही क्रॉस करेगा, और ब्रीडिंग भी अच्छी होगी, और जो बेबीज़ होंगे वो भी हेल्दी होंगे इंशाल्लाह। आप ये फार्मूला यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और एक जो है एक भी बिल्कुल अनफर्टाइल बिल्कुल नहीं होगा, फर्टाइल ही होंगे सारे के सारे, फर्टाइल एक होंगे, और बेबीज़ भी माशाल्लाह सही सारे के सारे डेड एंड शेल में नहीं जाएंगे, पैदा ही होंगे सारे अच्छे से अच्छे हेल्दी रहेंगे इससे। ये था कॉकटेल का ब्रीडिंग फार्मूला, जैसे मेथी बस देनी है आपको, बस मेथी देनी है और कुछ भी नहीं देना। मेथी देंगे आप पहले उसको फ्रेश मेथी भी ला के देंगे, वो भी खाता है तो वो भी दें, वरना आप सॉफ्ट फूड पर डाल के दे सकते हैं, क्योंकि वो जब कोई कोई परिंदा होता है नहीं खाता, तो उसको आप सॉफ्ट फूड पर डाल के देंगे, चने चावल या गंदम वगैरह जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर डाल के देंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप ये दे सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था कि मुझे ब्रीडिंग फार्मूला बताना था, मैंने आपको बता चुका, और आप ये ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, ओके, अल्लाह हाफिज़।